हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तुषार व्लॉग्स। तो कैसे हो भाई सब? आई होप सब बढ़िया होंगे यार। तो भाई आज जा रहे हैं हम BIC और एक छोटी सी राइड टाइप सी रख रहे हैं, मस्त पूरा माहौल बनाने वाले हैं। साथ में आ चुके हैं अतीक भाई। क्या हाल है अतीक भाई? AK-47 भाई, जो I-20 पूरी जगह वायरल हो रखी है। और पीछे तो आपको जानते हो कि नाम बताने की जरूरत है क्या भाई? तो सलमान भाई हमारे साथ है भाई, जा रहे हैं BIC वहाँ पे। सब अपने गुरजोत भाई वगैरह, जस्टिन भाई वगैरह सब वहीं हैं। तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी आप लोगों के लिए शूट करेंगे। ईशान भाई की अगर मस्टैंग हुई वहाँ तो वो भी शूट कर लेंगे, वरना उनसे मेरी बात तो हो ही रखी है, तो बाद में कभी डाल देंगे। मैंने उसकी वीडियो बनानी है, पेंडिंग है। स्टेज 1 थी तब, अब स्टेज 2 हो गई है। तो 650 BHP भाई, तो वो भी शूट करेंगे आप सबके लिए। बाकी चलते हैं ट्रैक की तरफ, फिर करते हैं आपसे बात। हम लोग अपना आधा रास्ता आ चुके हैं और भाई कम से कम हमारे को हो गए होंगे 15-16 किलोमीटर जब हमने इसमें तेल डलवाया था। एवरेज देखो भाई, तो भाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट के बाद भी गाड़ी अच्छी एवरेज दे जाती है। अगर आपका सेटअप बढ़िया हो ना तो गाड़ी की एवरेज, गाड़ी की परफॉर्मेंस एंड गाड़ी का जो थ्रोटल रिस्पॉन्स होता है वो भी बढ़िया निकल जाता है। तो यही भाई सबको एडवाइस करूंगा भाई, यही चीज़ है भाई जो सब मेरे से पूछते भी थे कि यार कि वेलोट्रॉनिक के अंदर और नॉर्मल, एक अगर हम नॉर्मल ऑल टाइम एग्जॉस्ट लगाए तो उसमें क्या फ़र्क है? यार वेलोट्रॉनिक में कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर जो अपना वो है पिकअप है वो कहीं ना कहीं लॉस होता ही है, एंड जो ये लगाते हैं ना इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और एवरेज देखो यार, मतलब वरना 20.7 सोचो, अभी तक मैंने आपको बताया था 12-13 दे रही, आज देख लो भाई। और इसमें मैंने भगाई भी अच्छी तरीके से भाई, धीरे भी चलाई, सब करा। और एक बार अब आप इस पर पिकअप देखो, देख रहे हो भाई कैसे उठ रही है, नेक्स्ट लेवल उठ रही है भाई। तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है। बाकी चलते BIC पर, बड़े बड़े गाड़ियाँ दिखाते हैं आप लोगों को, मिलते हैं BIC पर। क्या बना दिया ये? अरे वो रोक रहे हैं यार, पास लेके आता हूँ ना, वहां से पास ले आता हूँ एंट्री वाला। कौन कौन है? सलमान भाई, मैं अतीक भाई, एक ही गाड़ी है। लॉन्च होनी चाहिए एक बार थोड़ी सी। भाई तो ये भाई ने पूरी जिसे हम कहते हैं ना बग्गी बनाई है। बाकी चल रहे हैं एक बार अंदर, एंट्री पास लेके आ रहे हैं फटाफट, फिर चलते हैं अंदर पूरा। भाई फास्टेस्ट सिविक देख लो, इसके भी वीडियो बनाने भी जाएंगे, उससे पहले एक बार इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो ये है भाई हमारे ओनर। क्या हाल है जस्टिन भैया? बस बढ़िया तुषार, आप बताओ क्या चल रहा है? सेक्सी एकदम। ये बता दो क्या कर दिया इसमें? ओ भाई ये देखो भाई, पहले तो नया मोड जो मैंने देखा अंदर से, ये उन्हें गई थी कि कस्टम? नहीं ये तो काफी टाइम पहले हो चुका है। अच्छा तो अभी आपने क्या करा? कोई नहीं, हमारा पक्का प्लान बन चुका है, अभी सिविक ले रहा हूँ, अगले हफ्ते साथ तैयार करेंगे। इतना भी बजट नहीं है। भाई अभी तो आप लोगों ने सिविक और 2-3 गाड़ियों की आवाज़ सुनी, अब आपका आवाज़ सुनेंगे एक बार पोर्शे की भी। देखते हैं भाई अगर वी फाइंड दो पोर्शे ओनर, उससे पहले इग्निस देखो भाई। सो दिस इज टोटली ऑफ रोड स्पेक राइट? ब्रांडिंग देख रहे हो? ट्रैक स्पेक, सॉरी हां ट्रैक स्पेक, सॉरी। ऑफ रोड तो उसकी है जिसके ऊपर बता रहे थे भाई। अच्छा ओके, तो भाई आप जो अपना BND का दूसरा ऑफ रोड वाला ट्रैक हो तो उस पर भी। पूरी ऊपर उठ जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है मोर देन लाइक फॉर्च्यूनर से ऊपर हो सकती है गाड़ी। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ऊपर हो सकती है, आपके पास पूरी किट है? कॉइल ओवर है इसी के सेम, जो कॉइल ओवर है वो कस्टम मेड है ताइवान से। और जो सिर्फ कॉइल ओवर का जो उसका कॉस्ट आता है वो कितना आता है? सो मेरे को कॉइल ओवर 2.2 के पड़े हैं, प्लस उसमें कस्टम वर्क हुआ है समवेयर अराउंड 1.3 का। अच्छा, सो एड ऑन कर लीजिए। सो बेसिकली प्लस इसके अंदर टू वे है ये, हम कंप्रेशन को, कंप्रेशन हो गया जब आपकी
ब्रेकर आता बंप होते हैं दबते हैं टायर जाएगा तो कंप्रेशन है उसको इंडिविजुअली हम सेट कर सकते हैं प्लस जब रिबाउंड आएगा नीचे उसको हम इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स है मैनुअली होता है या फिर सब ऑटोमेटिक है और मैनुअली होता है मैनुअली होता है रिमोट रिजर्वायर है सो शॉकर के अंदर से पाइप निकल के आती है बाहर और उस पाइप में रिजर्वायर लगा होता है तो ये टू वे एडजस्टेबल रिमोट रिजर्वायर के शॉकर होते हैं और 50 क्लिक्स हैं इसके अंदर क्या बात है 50 क्लिक्स मतलब 50 बार आप इसको जो मतलब वो है इसके लूप्स हैं सेटिंग्स हैं सेटिंग्स हैं 50 मतलब 50 सेट हैं इसके मतलब ऊपर है 1 2 3 4 ऐसे 50 ऊपर वाला अलग है और नीचे सेपरेट अलग है अच्छा जी ओके वो सेपरेटेड है तो भाई इन टोटल 50 सेटिंग्स गाड़ी जो है आपकी कौन सा मॉडल है 2017 डेल्टा 2017 डेल्टा जो बेसिक ऊपर मॉडल आता है बेसिक ऊपर मॉडल आता है एग्जॉस्ट निकला हुआ है जो साइड से आपने इसके टिप निकाली हुई है यहाँ से साइड से भाई ये थी अपनी एनजी GTR और पोर्शे पीछे रह गई वो भी आ रही होगी उसकी भी आवाज़ सुनो भाई वो उसकी इतनी लाउड आवाज़ है ना मतलब बंदे परेशान हो जाए भाई भाई ऐसा था कुछ आज का दिन अपना बहुत मज़ेदार रहा मतलब BND पे हमने फुल मज़े करे घर आ चुका हूँ यार थक गया था और गाड़ी में ना यार फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं उसके बाद का शूट नहीं कर पाया यही थी भाई वीडियो आज के आप सबको मज़ा आया बाकी बढ़िया बड़े वीडियोज़ आने वाली है आपके पास तगड़े तगड़े रिव्यूज़ आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय